बातों में ध्यान देंगे, हमारा मन एक जगह नहीं रहता है। तो पूरे मन को स्थिर करके, एक जगह करके, अकेले शांत भाव से मैं सारी दुनिया का पालन करता होने के नाते अपनी निंद्रा में व्याप्त रहता हूँ। परंतु माता लक्ष्मी को नारायण जी कहते हैं कि मैं आलस्य नहीं हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ, और ना ही मुझे निंद्रा आती है, ना ही मुझे सताती है। ये तो मेरा एक रूप है जो अपनी अर्धाग्नि अपने साथ है, और तुम मेरे पैर दबाती हो, और मैं सारी सृष्टि को देख पाता हूँ। मेरी आंख बंद है फिर भी मैं सारी सृष्टि का उत्तर अभी दे सकता हूँ, और मैं सारे पृथ्वीवासियों का हाल जानता हूँ। ऐसा नारायण भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को बताता है। और 16वां अवतार जो था, जो भगवान ने 15 के बाद जब 16वां अवतार हुआ था, उसके बारे में भगवान माता लक्ष्मी को समझाते हैं कि मेरे इतने अवतार किस लिए हैं और क्यों हैं। जब उसकी जंघाएं बनी, 16वां अवतार जब हुआ था, जब उसकी जांघें बनी, उनको तो उनके दो हाथ दिए गए, दो पांव, दो नयन, उसमें मेरी नाड़ियां हैं, सिर्फ और सिर्फ नाड़ियां बसती है, जिससे मैं अपने रोम रोम में रहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं कि मैंने जो एक अवतार लिया है, जो मेरा 16वां अवतार है, उसमें सिर्फ मेरी नाड़ियां नाड़ियां हैं, और उन्हीं में मेरा वास है। ऐसा माता लक्ष्मी ने प्रश्न किया था कि आप निंद्रा में क्यों व्याप्त रहते हैं और हमेशा सोते ही क्यों रहते हो, कभी जाग कर भी देखो। तो भगवान हमें कहते हैं कि, माता लक्ष्मी से ये कहते हैं कि मैं सोता नहीं हूँ और मैं आलसी भी नहीं हूँ, मैं तो सारी सृष्टि को देखने के लिए अपने नेत्र बंद किए रहता हूँ। ऐसा माता लक्ष्मी को समझाते हैं, और उन्होंने माता लक्ष्मी को एक रूप उनके 16वां अवतार के बारे में बताया कि जो 16वां अवतार है उसमें सिर्फ मेरी नाड़ियां नाड़ियां हैं और उसी में मेरा वास है, बाकी मैं नहीं, और कोई चीज में मेरा वास नहीं है। जो एक रूप है उसमें मेरा पूरा वास है, जिसमें मैं आधे अंश में वहां रहता हूँ और आधे में यहाँ रहता हूँ। ऐसा माता लक्ष्मी के सामने बताते हैं। ऐसी ही मेरी जो सप्तरूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ। भगवान नारायण ने कहा कि जो भगवत गीता है, जो पुराण है, जो वेद है, उन्हें मैं अपने मन से, अपने हृदय से समझता हूँ और जानता हूँ, और मन ही मन आनंदित होता हूँ। ना ही किसी को हंस के दिखाता हूँ, ना ही किसी को बोल के दिखाता हूँ, शांति स्वर से। भगवान नारायण कभी भी चिढ़ते नहीं है, और जब चिढ़ते हैं, जब आक्रोधित होते हैं, तो वह स्वयं युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, और युद्ध भी ऐसा भरकम भारी कि कोई जीवित बचने वाला नहीं, सृष्टि का विनाश होना ही। नारायण जी ऐसा माता लक्ष्मी को समझाते हैं। तभी लक्ष्मी ने कहा, श्री हरि ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारे द्वारा चरण दबाने से बहुत प्रसन्न कि तुम मेरी सेवा करती हो, तुम मेरे साथ होने के बाद भी मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता, मैं तुमसे
बात नहीं कर सकता। ऐसा नारायण माता लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, हमारे चरण दबाती हो, फिर भी मैं तुम्हें इतनी बात अभी तक नहीं बताया और मुझे समय ही नहीं मिला गीता के सार को जानने के लिए।